हाय फ्रेंड्स, ये आईफोन 6 है, इसमें नेटवर्क इशू है। हम जैसे ही इसमें सिम डालेंगे नो सर्विस लिखा हुआ आएगा और IMEI भी शो नहीं करेगा। देख रहे हैं IMEI शो नहीं कर रहा है, बट सेटिंग में इसका IMEI और मॉडेम फ्रेमरेट शो करता है। चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम बेसबैंड का होता है। हमें बेसबैंड निकाल के और दो ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, एक का नाम होता है U1 और एक का नाम होता है V1। U1 जो है वो सारे RFs को बेसबैंड से कनेक्ट करता है और V1 जो लाइन है वो बेसबैंड को CPU से कनेक्ट करता है कि सारे RF जो हैं वो वर्किंग हैं और काम कर रहे हैं और हमारे कंट्रोल में हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बेसबैंड रिमूव करेंगे। बेसबैंड रिमूव करने के लिए आप 380 टेम्परेचर रखिए और 40 एयर रखिए। DW861 ब्लोअर आता है उसमें नॉर्मल ब्लोअर है तो भी आप 380 रख सकते हैं, 3-4 पे एयर रख सकते हैं। ये मैं बेसबैंड निकाल रहा हूँ। बेसबैंड निकाल दिया। बेसबैंड हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, एक बात याद रखना, बेसबैंड चेंज नहीं होता है आईफोन में। IMEI जो होता है बेसबैंड के अंदर होता है। अब ये हम इसका पैड क्लीन करेंगे। जो मैंने दो पैड की बात करी थी उसे मैं अभी बनाऊंगा। वो पैड वहाँ होते हैं बट वो लूज़ में हो जाते हैं, तो उसे कैसे भी कर मतलब उसे बनाना ही है। वो भले दिख भी रहे हो आपको, फिर भी आपको बनाना है। सिम ट्रे के पास होते हैं, ये सिम ट्रे से लगे हुए होते हैं, जो सिम ट्रे होता है उससे हमने क्लीन कर दिया है। और ये मेक U1 एंड V1 पैड, ये दोनों पैड हैं आप देख सकते हो। ये मैं बना रहा हूँ, एक पतला सा जंपर वायर लेके हम उनको स्क्रैच कर चुके हैं, देखिए स्क्रैच कर दिया है। और ये दोनों पैड बनाने हैं। जंपर वायर लेके ये मैंने लगा दिया, उसको कट कर दूंगा मैं। अब इसके ऊपर हम यूवी मास्क लगा देंगे जिससे कि ये वायर निकले ना। यूवी मास्क लगा के यूवी लाइट रख देंगे इसके ऊपर और ये पैड पैड बन जाएगा पूरा ही। और इसको यूवी लाइट में रख दिया। अब हम बेसबैंड रिवॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर 6 और 6 प्लस में आती है ये प्रॉब्लम, और बहुत मोस्ट वांटेड प्रॉब्लम है। ज़्यादा ही आती है ये प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है केसेस में। आपने इसको डायग्नोस करने के लिए सिर्फ क्या करना है कि नो सर्विस में फ़ोन आता है तो आपने *#06# डायल करना है, आपको IMEI शो नहीं करेगा। इसका मतलब कि U1 V1 जो पैड है वो ख़त्म हो चुका है। ये प्रॉब्लम होती है तो ऐसा होता है। तो आपने बेसबैंड निकाल के और जैसे मैंने बताया है वीडियो में वैसे आपने करना है। अब हम बेसबैंड को इंस्टॉल करेंगे। देखिए मैंने यूवी मास्क लगा दिया है ब्लैक कलर का। यूवी मास्क बहुत सारे कलर्स में आता है, जो आपको ठीक लगे लगा सकते हो, ग्रीन, रेड, येलो, जो भी। लगाने के लिए टेम्परेचर कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 380 नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये रिवॉल्व हो चुकी है तो लो टेम्परेचर पे भी लग जाती है, लाइक 300 पे भी। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। कॉल करके भी चेक करेंगे और सारी चीज़ें चेक करेंगे। ये देखिए तो IMEI आ गया, हमने *#06# डायल किया तो IMEI आ गया, पहले नहीं आ रहा था। ये वीडियो थोड़ा फास्ट में है, हम इसको स्लो में भी बना सकते हैं। और अब देखना आप नेटवर्क आ जाएगा, क्योंकि जब तक टाइम डेट सही नहीं होता आईफोन में जब तक नेटवर्क नहीं आता। आप देख सकते हो आ गया, वोडाफोन का नेटवर्क दिख रहा है आपको। अब हम नंबर डायल करके चेक करेंगे थोड़ा सा,
वर्किंग कर रहा है कि नहीं, और ये वर्क कर रहा है, ठीक है, फ़ोन लग रहा है, कॉल हो रही है, आप देख सकते हो कॉलिंग चालू है, ये कॉल रिसीव भी हो गया, देख सकते हो आप। ओके डन, थैंक यू।